क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Realme 12 Pro Plus। और भाई साहब, इसकी डिजाइन आप देख सकते हो बहुत ही कमाल की है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है जितनी अच्छी इसकी डिजाइन है ना यार, उससे कई गुना ज्यादा इसके अंदर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप अपने मोबाइल के अंदर फोटोज वीडियोस वगैरह छिपाना चाहते हो, फिर किसी ऐप के लॉक लगाना चाहते हो, फिर किसी ऐप को हाइड करना चाहते हो, तो आपको कोई भी दूसरा यहाँ पे ऐप डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। आपके मोबाइल के अंदर ही सब कुछ सिस्टम मिलता है। इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको नीचे जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप लॉक लगा लीजिए और यहाँ पे लॉक लगाने के बाद किसी भी ऐप को आप हाइड कर सकते हो। और यहीं पर थोड़ा बैक जाना है और यहाँ पर आपको हाइड एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। किसी भी ऐप को यहाँ पे छिपा सकते हो। जो हिडन एप्स है आपके, उनको देखने के लिए आपके डायलर के अंदर H4H लिखोगे तो जो ऐप आपने छिपाए वो आपको शो होने लग जाएंगे। और यहाँ से जैसे ही बैक जाएंगे, प्राइवेट ऐप का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इससे क्या होता है, जैसे कि आपकी फोटोज वीडियोज वगैरह छिपानी है तो यहाँ से इजिली छिपा सकते हो, कोई भी नहीं देख सकता। और यहाँ पे सिस्टम क्लोनर का भी इसके अंदर ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप अपना मोबाइल किसी दूसरे मोबाइल के अंदर शिफ्ट करना चाहते हो, यानी कि जैसे कि आप अपने दोस्त वगैरह का मोबाइल या फिर किसी का भी मोबाइल अपने मोबाइल के अंदर चलाना चाहते हो तो चला सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको इस मोबाइल के और भी मजेदार फीचर्स बताता हूं। जैसे कि इसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर जाना है, इसको ऑन कर लेना है। अब जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, इसको मैं ऑन करता हूं, या फिर यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, अपनी फोटो लगा सकते हो, यहाँ पे रंगोली ड्रॉ कर सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो। जब भी आपकी स्क्रीन ऑफ रहेगी यहाँ पर कुछ इस तरह का शो होगा। जैसे कि मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ, देखिए अप्लाई कर लेना है। अब जैसे मोबाइल ऑफ करेंगे यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का शो हो रहा है, जो कि आपके मोबाइल को काफी अच्छा बना देता है, तो आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। और जैसे आप वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर जाओगे, यहाँ पर आपको थीम्स फॉन्ट का बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, पर हमें जाना होगा आइकन्स के अंदर। अब जैसे हम आइकन्स के अंदर आएंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे कि ये देखिए आपकी आइकन को जो साइज है उसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो। देखिए बड़ा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, इनको बड़ा छोटा अपनी मर्जी से कर सकते हो। और जैसे आप नीचे जाओगे यहाँ पे जो ऐप का नेम है ना, इसको भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो। देखिए बड़ा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, या फिर आप चाहते हो यार मुझे ऐप का नेम शो ही नहीं कराना, ये देखिए अब आपको इनकी शक्ल देख के पहचानना पड़ेगा यहाँ पे ऐप का जो नेम है वो हाइड हो चुका है। और अगर जैसे कि यहाँ पे आप चाहते हो कि मुझे फोटोज थोड़ा अलग करना है, देखिए इसके अंदर करोगे थोड़ा अलग हो जाएगा कैमरा के अंदर, ये देखिए ऐसे करोगे, देखिए कैमरा वगैरह पूरा चेंज हो जाएगा। कस्टम के ऊपर जाकर इनका शेप भी चेंज कर सकते हो, देखिए ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो इनमें से अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर जैसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे अंदर से आप इनको बड़ा छोटा करना चाहते हो, देखिए ये देखिए गोल कर लीजिए इसको, वो जैसे करना चाहो। और यहाँ पर देखिए अंदर से मैं इसको छोटा कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, जैसा आपको करना है वैसा कर सकते हो। और जैसे ऐसे बैक जाएंगे यहाँ पे कलर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी हमने ग्रीन कर रखा है, आपके लगभग ब्लू होगा, तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर करके दिखाता हूँ। देखिए ब्लू में कर देता हूँ इसको, ये देखिए मैंने ब्लू में कर दिया है। तो आपने इसको अपने कपड़ों के हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हो, जब भी चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पे जो भी आपके नोटिफिकेशन है, या फिर आप जब भी वॉइस रिकॉर्ड करते हो, कैलकुलेटर के अंदर बहुत सारी चीजें आपकी जो है कलर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ से बैक चलते हैं, क्विक सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि नीचे करते हैं तो यहाँ पर देखिए राउंडेड शेप के अंदर सभी को देखोगे तो आप चाहते हो मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, मुझे तो ऐसे करना है, ये देखिए कुछ इस तरह का हो चुका है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उनमें से अप्लाई कर लेना। और जैसे जैसे बैक चलते हैं यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलता है। इससे क्या होता है दोस्तों, कुछ आपके इस तरह से होगा या फिर ये वाला होगा तो इसके अंदर आपको बहुत सारे नए नए ऑप्शंस मिलते हैं। ये वाला कर दीजिए, ये वाला कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उनमें से अप्लाई कर लीजिए, ताकि आप जब भी फिंगर का लॉक खोलो भाई साहब मजा आ जाए। और यहाँ से हम जैसे ही पेज जाएंगे यहाँ पर आपको एज लाइटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपके पास जब भी कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो आपके एकदम सिंपल सा रहता है, तो इसको कर लीजिए। देखिए आपको ब्लू लाइट चाहिए, रेड लाइट चाहिए, या फिर येलो वाली, आपको जो भी अच्छी लगती है वो कर लीजिए। आपके पास जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ इस तरह की लाइट शो होने लग जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे करने पर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, पर आप तो चाहते हो मुझे सर्च का ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पे ऐसे करूं तो नोटिफिकेशन बार आ जाना चाहिए, तो वो कैसे आएगा। जैसे कि इसके लिए ऊपर स्क्रीन के ऊपर से टैप करके रखना है, मोर के ऊपर जाना है, और यहाँ पर देखिए ग्लोबल सर्च की जगह नोटिफिकेशन ड्रॉअर कर दीजिए। अब मैं ऐसे करूंगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉअर आ चुका है, यहाँ से करूंगा तो भी आ जाएगा, कहां से भी आप कर सकते हो ये नोटिफिकेशन ड्रॉअर शो होगा। दोस्तों अगर आपके बच्चे आपका मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं तो मैं आपके बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ, जो आपके बहुत काम आ सकती है। जैसे कि इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर आपको देखिए स्पेशल फीचर्स के अंदर जाना है, सबसे नीचे जाना है,
किड्स मोड्स मिल जाएगा, इसको एग्री कर लेना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर जाकर यहाँ पे लॉक लगा लेना, जो भी आप लॉक लगाना चाहो वो लॉक लगा लीजिए। जैसे कि अभी के लिए मैं ऐसे ही लगाता हूँ आपको दिखाने के लिए। अभी लॉक हमने लगा लिया है, आप अपने बच्चों को किस लिए दे रहे हो? जैसे कि मैं यूट्यूब वीडियोज देखने के लिए दूंगा, उसको यूट्यूब कर लीजिए। अब उसको कितने टाइम के लिए मोबाइल दे रहे हो? जैसे कि 30 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे, मैं 15 मिनट के लिए अपने बच्चे को मोबाइल दूंगा, तो यहाँ पे इसको कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए आई प्रोटेक्शन डिस्प्ले दोस्तों, ये भी ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक, यानी कि आपके बच्चे की आंखें वगैरह खराब नहीं होंगी। ओके कर देते हैं। अब ये देखिए कुछ इस तरह से आ चुका है। अब आपका जो बच्चा है वो कुछ नहीं छेड़ सकता, दूसरी चीजें सिर्फ यूट्यूब ही चला सकता है। देखिए किसी भी बटन को प्रेस कर लेगा, कुछ नहीं होगा, बंद करना चाहेगा बंद कर लेगा, फिर से यहाँ पे ऐसा ही ओपन होगा। अगर आपको फिर से एग्जिट होना है तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके एग्जिट भी हो सकते हो। पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे वो खुद एग्जिट हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉक लगाना है, जो भी आपने लगाया था, तो ये लॉक बच्चे को पता नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप आ सकते हो और ऐड करोगे तो यहाँ पे आपके यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हो। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप वीडियो को पूरा देखते हो, पता नहीं वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यार मैं इसे डबल टेप करूँ तो यार मोबाइल ऑफ हो जाना चाहिए, और डबल टेप करते मोबाइल ऑन होना हो जाना चाहिए, तो अपने मोबाइल के अंदर कैसे होगा? इसके लिए मैं स्क्रीन के ऊपर टेप करके रखना है और यहाँ पर साइड में जाना है, मोर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे डबल टेप टू लोग इसको ऑन कर लीजिए और रेस्ट वे को इसको भी ऑन कर लीजिए। इसका क्या मतलब है रेस्ट वे का, मैं आपको बताऊंगा, बहुत यूजफुल है। जैसे कि डबल टेप करूंगा स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टेप करते स्क्रीन ऑन हो जाएगी। और जो हमने रेस्ट वे आपको ऑन कराया उसका क्या मतलब है, जैसे कि मोबाइल ऐसे पड़ा है, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपली ऐसे मोबाइल को उठाना है और हमारी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ना तो हमने डबल टैप किया, ना ही पावर बटन को प्रेस किया, बस मोबाइल को उठाया और जो हमारी स्क्रीन है वो ऑन हो चुकी है। दोस्तों क्या आपने एक चीज नोटिस की, यहां पर मेरे पास ना बैटरी का इंडिकेटर ही नहीं, यानी कि हम परसेंटेज देख ही नहीं पा रहे, ना बैटरी को पता चल रहा है कि कितनी है हमारी बैटरी बची है। तो दोस्तों इसे बहुत सारे टिप्स है वो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि बैटरी का आप लोगों गायब कर सकते हो, यहां पे अलग-अलग तरीके से उसको चेंज कर सकते हो, या फिर यहां पे टाइम शो हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसके साथ में आप सेकंड्स भी देख सकते हो, या फिर इंटरनेट की स्पीड देखनी वो भी शो करा सकते हो, या फिर एक बहुत ही कमाल का फीचर बताऊंगा, जैसे कि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आया है तो आप उसको क्लियर कर दे तो वो क्लियर हो जाता है, फिर बाद में आपको याद आता है कि यार पता नहीं मैंने क्या क्लियर कर दिया। वो जरूरी चीज थी जो हमने क्लियर कर दी है, तो आपके पास पूरी की पूरी हिस्ट्री मौजूद रहती है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर जाना है, स्टेटस बार के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे टाइम के ऊपर जाना है और यहाँ पे सेकंड्स भी स्टार्ट कर दीजिए, देखिए सेकंड्स भी चलने लग चुकी है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बैटरी का स्टाइल, अभी हमने डू नॉट शो कर रखा है, तो आप हॉरिजॉन्टल कर लो, वर्टिकल कर लो, या फिर लूप वाला कर लो, ये काफी अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए बैटरी परसेंटेज अभी डू नॉट शो है, तो आप इसको बाहर दिखाना चाहते हो बैटरी के परसेंटेज, या फिर अंदर दिखाना चाहते हो तो अंदर भी दिखा सकते हो। और रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, यानी कि आप इंटरनेट की स्पीड शो कराना चाहते हो तो उसको ऑन कर लीजिए। अब आपके जब भी इंटरनेट चलाओगे तो ऊपर इंटरनेट की स्पीड शो होने लग जाएगी। जैसे यहाँ से बैक चलते हैं, यहाँ पे मोर सेटिंग्स के अंदर जाना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे जाना है, हमने इसको ऑन कर रखा है और हमने जो भी क्लियर किया है वो पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे सेव है। जैसे कि ये भी क्लियर करता हूँ तो ये देखिए हमारी हिस्ट्री यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो अगर आपके मोबाइल के अंदर ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिए, आप भी इसका फायदा उठा सकते हो, और ये ना आपके फ्यूचर के अंदर ना बहुत काम आ सकती है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे साउंड के अंदर मजा लेना चाहते हो, जैसे कि मूवीज देखते हो, गाने सुनते हो, तो आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाना है, सबसे नीचे जाना है, डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट मिलता है, अगर आपके मोबाइल में ये ऑन नहीं है तो ऑन कर लो। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्मार्ट मूवी देख रहे हो तो इसके ऊपर कर लीजिए, म्यूजिक सुन रहे हो तो इसके ऊपर, गेमिंग खेल रहे हो तो इसके ऊपर कर लीजिए। दोस्तों जब भी आप जो भी काम करते हो वो यहाँ पे ट्राई करना, और आपके पास जो आवाज आएगी ना भाई साहब, बहुत ही कमाल की आवाज आएगी। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि मुझे ना यार एक ही मोबाइल के अंदर दो अलग अलग एप्स चलाने, जैसे कि दो व्हाट्सएप वो भी अलग अलग नंबर से, दो फेसबुक वो भी अलग अलग नंबर से, तो कैसे चला सकते हो? इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, एप्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए, एप क्लोनर पे जाना है। अभी जैसे कि मैं फेसबुक को कर देता हूँ, ठीक है, अभी इसको क्लोन कर देना है। अभी क्रिएटिंग एप कुछ सेकेंड्स लगेंगे और आपके मोबाइल के अंदर दो फेसबुक हो जाएंगे। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, एक फेसबुक ये रहा और एक फेसबुक ये रहा, और इनको आप अलग अलग नंबर से भी चला सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि मेरे पास, आप नीचे देखोगे बटन शो नहीं हो रहे हैं, तो आपके मोबाइल के अंदर बटन शो हो रहे हैं तो आप इनको हाइड कैसे कर सकते हो, या फिर मेरी तरह यहाँ पे है तो बटन्स कैसे ला सकते हो? इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है, सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जाकर बटन्स को कर लीजिए। अभी देखिए बटन्स आ चुके हैं, अगर आप लेफ्ट हैंडी हो तो जो बैक बटन वाला है इसको आप लेफ्ट हैंड के अंदर भी लेके जा सकते हो, तो अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो।
तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आपका कोई दोस्त या फिर आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हो यूट्यूब पर पढ़ाई करने के लिए, पर आपको शक है कि यार यूट्यूब का बोलकर कोई दूसरी पर्सनल चीजें ना देख ले, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ। जब भी वो दूसरा काम करेगा आपको पता चल जाएगा। इसके लिए देखिए यहाँ पे आपको जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर, और यहाँ पर देखिए मोर सिक्योरिटी पे जाना है, और यहाँ पर आपको नीचे जाना है, ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ऑन कर लीजिए। इसको ऑन करने के बाद अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा है तो ठीक है, नहीं लगा रखा है तो घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप लॉक लगा भी सकते हो, जो भी आपको सही लगे वो लोग यहाँ से लगा लीजिए। अब दोस्तों जैसे कि किसी ने यहाँ पे YouTube के लिए मांगा है, जैसे कि पढ़ाई के लिए मांगा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, YouTube ओपन करना है और रेसेंट एप्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इसको पिन कर दीजिए। अब ये पिन हो चुका है, ठीक है। अब अगला वाला इसको जितना चलाना चाहेगा चला सकेगा, पर बैक जाना चाहेगा नहीं जा पाएगा। देखिए किसी भी बटन को प्रेस कर लेगा, बैक नहीं जा पाएगा। अब बैक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैक बटन और जो रेसेंट एप्स बटन है इन दोनों को ऐसे साथ में प्रेस करना है। अब आपका जो ऐप अनपिन हो चुका है, अब आप बाहर जा सकते हो। पर आप सोच रहे होंगे यार वो थोड़ा बहुत समझदार होगा तो खुद अनपिन कर लेगा, तो अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा है ना, तो जब तक आप लॉक नहीं खोलोगे तब तक अगला वाला अनपिन नहीं कर पाएगा, और वो जब आपसे लॉक खुलवाने के लिए बोलेगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यार मुझे ना एक साथ में दो अलग अलग ऐप चलाने, तो कैसे चला सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि यार मुझे ना यहाँ पे YouTube पर वीडियोस देखनी है साथ साथ में चैटिंग भी करनी है, या फिर आप चाहते हो मुझे दो ऐप्स के अंदर अलग अलग साथ में चैटिंग कराना है, यानी कि आप एक साथ में दो दो को लूप बनाना चाहते हो, तो कैसे बना सकते हो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि YouTube ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको थ्री फिंगर से ऐसे ऊपर लेके जाना है और दूसरा यहाँ पे डायलर ओपन कर लेते हैं। अब YouTube पर वीडियो चलती रहेगी और आप साथ में डायलर को भी चला सकते हो। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से आप एक साथ में दो अलग अलग ऐप चला सकते हो, और जैसे कि आप चाहते हो मैं डायलर को ऊपर लेके जाऊं तो डायलर को ऊपर लेके जा सकते हो, आप चाहते हो मुझे डायलर बड़ा करना है तो डायलर को बड़ा कर सकते हो, आप चाहते हो मुझे पूरा डायलर करना है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पूरा डायलर को भी ओपन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे कि आपका हाथ यहाँ पे पहुंच नहीं रहा है, ठीक है, तो आप चाहते हो यार ये ऐप ना यहाँ पे आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर से कुछ इस तरह से करना है, आप जिस भी ऐप को ओपन करना है, जैसे मुझे सेटिंग ओपन करनी है, देखिए सेटिंग ओपन हो जाएगी। अगर आपके मोबाइल में ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको स्क्रीन के ऊपर से टैप करके रखना है, मोर के ऊपर जाना है, और यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए आइकन ने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, इसको ऑन कर लीजिए, आपके भी कुछ इस तरह से हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाता हूँ, जैसे कि इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है, असिस्टिव बॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ऑन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की बॉल आ चुकी है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो बैक चला जाएगा, या फिर इसके ऊपर प्रेस करके रखूंगा होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और इन ऑप्शंस को आप चेंज भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे टैप मेन्यू के ऊपर, ये देखिए टैप करते हैं वो बैक जाता है, तो इसके ऊपर जाकर आप बैक नहीं जाना चाहते, जैसे कि लॉक स्क्रीन कर दीजिए, मैं जैसे इसके ऊपर टैप करूंगा लॉक स्क्रीन हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको करना है वो यहाँ पे कर सकते हो, देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो जैसे इसके ऊपर प्रेस करोगे स्क्रीनशॉट आ जाएगा, या फिर यहाँ पे डबल टैप करते हो रिसेंट टास्क आते हैं तो यहाँ पे भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, और इसको प्रेस करके रखते होम स्क्रीन पे आता है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। देखिए गो बैक, होम स्क्रीन, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं इसको ये देखिए कम करना है ज्यादा करना है वो भी यहाँ पे कर सकते हो, या फिर आपकी जब भी फुल स्क्रीन हो, आप चाहते हो मूवीज वगैरह देखूं तो यार डिस्टर्ब होता है, तो इसको जब भी आपकी फुल स्क्रीन होगी ये आपके हाइड हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि रिसेंट एप्स पे जाना है और यहाँ पर फोटोज का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, इसको फ्लोटिंग विंडो के ऊपर भी लेके जा सकते हो। देखिए फोटोज वगैरह सब कुछ यहाँ पे चल रहा है, और जैसे कि मैं दूसरा ऐप ओपन कर लेता हूँ, क्रोम ओपन कर लेता हूँ, देखिए आपका ये जो फोटोज वाला है वो यहाँ पे चलता रहेगा, इसको बड़ा छोटा करना चाहो बड़ा छोटा भी कर सकते हो, देखिए जो भी आपको करना है वो कर सकते हो, बड़ा करना है बड़ा करना है, छोटा करना चाहो छोटा भी कर सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यार मुझे ना यार पता होना चाहिए कि पूरे दिन में मोबाइल को कितने घंटे तक यूज करता हूँ, क्या क्या यूज करता हूँ, कौन कौन से ऐप को ज्यादा यूज करता हूँ, तो आपके मोबाइल में पूरी की पूरी डिटेल सेव रहती है। इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सेटिंग्स के अंदर जाना है, जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे यहाँ पे डिजिटल वेलबींग के ऊपर प्रेस करना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने 57 मिनट के लिए मोबाइल को यूज किया है, 49 बार इसका लॉक खोला है, 7 नोटिफिकेशन आए हैं, और जैसे अनलॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कौन कौन से ऐप को कितनी बार खोला है वो भी शो रहा है, जैसे सेटिंग, कैमरा वगैरह, गूगल वगैरह, या फिर दोस्तों यहाँ पे जैसे ही बैक जाओगे नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन से ऐप के अंदर ज्यादा नोटिफिकेशन आए हैं, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक दिन के नहीं पूरे एक महीने की डिटेल आप देख सकते हो, पूरे एक महीने में कितने घंटे तक आपने दिन में यूज किया है और कौन कौन से ऐप को यूज किया है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप चाहते हो यार मुझे मेरी हार्ट रेट का पता होना चाहिए अपने मोबाइल के अंदर ही, तो बिल्कुल कर सकते हो। इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, रियलमी लैब के अंदर जाना है, हार्ट मेजरमेंट के अंदर जाना है, इसको एग्री कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे आप अपना फिंगर प्रेस करोगे आपकी हार्ट मेजर होने लग जाएगी, यहाँ पे 15 सेकंड का टाइम लगता है, पर दोस्तों ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि एकदम एक्यूरेट ही बताता है, ये कभी कभार कम ज्यादा भी बताता है, तो आपके कोई इमरजेंसी हो तो आपको हॉस्पिटल ही जाना है, इसके भरोसे मत रहना। अगर आपको मतलब ऐसे टाइम पास वगैरह के लिए चाहिए तो इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। देखिए अभी मेरी कुछ इस तरह की है,
तो मैं ये कह सकता हूँ ये टाइम पास के लिए ठीक है, हम ज्यादा इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको इसके कुछ कैमरा के फीचर्स बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको 120 अक्स का जूम मिलता है। तो कैमरा के अंदर देखें तो यहाँ पे देखिए अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि ज्यादा एरिया वगैरह कवर करना है कुछ इस तरह से कर सकते हो। और अगर जूम की बात करें तो भाई साहब इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जूम कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए दोस्तों 120 अक्स तक जूम कर सकते हैं, और यहाँ पर बॉक्स का पता ही नहीं चल रहा है। देखिए ये देखिए हमारे जो इतने छोटे छोटे नंबर है वो भी शो होने लग चुके हैं। मैं फोटो आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे जो कि यहाँ पे आपको सही से नहीं दिखेंगे, वो इसके अंदर दिखने लग चुके हैं। तो भाई साहब 120 अक्स तक हम जूम इसके अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए फिल्टर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप थोड़ा गोरा चिट्टा दिखना चाहते हो तो यहाँ से गोरा दिख सकते हो, अलग अलग फिल्टर कर लीजिए, जो भी फिल्टर आपको पसंद है वो फिल्टर के अंदर आप यहाँ पे कर सकते हो। और जैसे ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे आप फोटो की साइज चेंज कर सकते हो, टाइमर लगा सकते हो, और भी आपको यहाँ पे HDR वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर जूम की बात करें तो यहाँ पे 6 के अंदर 5 के अंदर हम जूम कर सकते हैं, और अगर पोर्ट्रेट के अंदर देखिए तो यहाँ पे 3x का जूम मिल जाता है। देखिए कुछ इस तरह से, तो 3x के अंदर कुछ इस तरह की डिटेल मिलेगी, और भाई साहब बहुत ही कमाल की फोटो आती है। तो जब भी आपको मतलब जैसे कि पीछे बलर DSLR की तरह लेनी है तो 3x के अंदर भाई साहब बहुत कमाल की आती है। यहाँ पे आप कम बलर जो बलर है उसको कम ज्यादा कर सकते हो। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे करोगे तो बलर पीछे ज्यादा होगा, इसको करोगे तो बलर पीछे कम होगा। और भी यहाँ पे भी थोड़ा गोरा चिट्टा वगैरह दिखना है दिख सकते हो, यहाँ पे भी फिल्टर वगैरह चेंज करना चाहो कर सकते हो। और अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो के अंदर हम पीछे के कैमरे से 4K 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वीडियो के अंदर आपको जैसे कि पीछे बलर वगैरह दिखे तो बोके के अंदर यहाँ पे बना सकते हो, पर इसके अंदर 1080 30fps पर ही बना पाएंगे। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर भी गोरा चिट्टा कर सकते हो, इसके अंदर भी फिल्टर वगैरह लगाना चाहो लगा सकते हो। यहाँ पे स्ट्रीट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे नाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि जब भी आप नाइट में फोटो क्लिक करो तो यहाँ से करना दोस्तों, यहाँ पे पीछे अंधेरा वगैरह भी रहेगा तो काफी ज्यादा उजाला हो जाएगा। और यहाँ पे और भी ऑप्शन दिखाऊं तो मोर के अंदर आपको प्रो पेनो हाई रिज फिल्म स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। स्लो मोशन के अंदर 1080 120fps पर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको इंस्टाग्राम वगैरह के लिए स्लो मोशन चाहिए तो यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और टाइम लैप्स लॉन्ग एक्सपोजर ड्यूल व्यू वीडियो, यानी कि आप फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों से साथ में रिकॉर्ड कर सकते हो। देखिए ये हमारा फ्रंट कैमरा और ये हमारा पीछे का कैमरा है, दोनों से आप साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे टेक्स्ट स्कैनर, यानी कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह की फोटो लेनी है तो टेक्स्ट स्कैनर के अंदर लेना दोस्तों। अगर आपका मतलब कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है या फिर धुंधला है तो भी अच्छी फोटो आपके आ जाएगी। यहाँ पे स्टेरी मोड, यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपका ग्रुप है, आप 5-6 जने पोर्ट्रेट के अंदर खिंचवाना चाहते हो जैसे कि पीछे सब कुछ ब्लर हो जाए तो वो भी आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपके मतलब पांचों के ऊपर फोकस होगा और आपका किसी का भी फेस ब्लर नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ ये थे दोस्तों कैमरा के फीचर्स। तो वीडियो यार बहुत लंबी हो चुकी है, आप सोचोगे यार ये तो भाई पकाने लग गया, तो भाई मैं पकाऊंगा नहीं, यहीं पे वीडियो समाप्त करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छे लगे तो यार वीडियो को लाइक तो बनता है। कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बताना। अगर आपको इसके और भी फीचर चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। और यार पता नहीं यार आप चैनल को क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो अरे यार प्लीज यार प्लीज यार कुछ नहीं लगता यार, फ्री में चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।